नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और नए वीडियो के साथ। तो किसान भाइयों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो जैसे कि आपको पता होगा, समय समय पर हम जो खेती बाड़ी की जानकारी देते रहते, तो उसी अनुसार जो मार्च और अप्रैल, मार्च आ गया है, अप्रैल आने वाला है, तो इस समय की जानकारी जो है मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वीडियो में हम बात करेंगे जो इन महीनों में, मार्च और अप्रैल के महीनों में जो सब्जियां लगाई जाती हैं, उनकी मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ, जो आप घर पर लगा सकते हैं और बहुत आसानी से जिन्हें आप उगा सकते हैं, जिन्हें ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं होती, जो बहुत आसानी से उगाई जा सकती हैं। और इनमें से बहुत सारी तो ऐसी सब्जियां हैं जो आप अपने घर के गमले में भी लगा सकते हैं, अपनी छत पर लगा सकते हैं या अपनी बैल्कनी में भी लगा सकते हैं, जो विशेष तौर पर मैं आपको बताऊंगा कि ये जो है सब्जी आप अपनी बैल्कनी में या अपनी छत पर आसानी से उगा सकते हैं। हाँ, कुछ हैं इनमें से जो आपको खुले में ही उगानी पड़ेंगी, तो उसके लिए आप घर को यूज नहीं कर सकते। अगर घर में आपके कोई छोटा मोटा गार्डन वगैरह है, कुछ है, जगह है साइड में, जहाँ पर कच्ची मिट्टी की जगह हो, जहाँ आप लगा सकें, तो वहाँ पर ये लगाई जा सकती हैं। तो मैं आपको अलग अलग कैटेगरी वाइज इन दोनों की जानकारी दूंगा कि कौन सी आप गैलरी में या छत पर लगा सकते हैं, तथा किसके लिए आपको अलग से गार्डन की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। इसमें हमारी जो पहली सब्जी आती है, सबसे पहली आती है टमाटर। तो टमाटर का आपको पता होगा, टमाटर की वैसे तो कई वेराइटियाँ आती है हमारे यहाँ, लेकिन मेरे एरिया में जो ज़्यादातर प्रचलित है वो है गोल टमाटर और एक है थोड़ा लंबा टमाटर। तो इनमें से आपके एरिया में जो आपको अच्छी लगे या जो आपके एरिया में अच्छे से जिसका बीज आपको मिल सके वो आप लगा सकते हैं। और जो टमाटर का जो पौधा है वो मैं आपको बताना चाहूँगा, एक गमले में भी हो सकता है, एक पौधे से जो है 8-10 टमाटर जो है आपको एक समय पर आराम से मिल सकते हैं, अगर आप उसकी अच्छे से देखभाल करते हैं तो। चलिए अगली, अगर सब्जी की बात करें तो अगली सब्जी आती है बैंगन। बैंगन किसान भाई, आपको पता है कि बैंगन की भी कई वैरायटी आती हैं, तो जो भी बैंगन का बीज आपके एरिया में, जिस भी क्वालिटी का बीज आपके एरिया में वैरायटी का उपलब्ध हो वो आप लगा सकते हैं। कुछ लोग जो है देसी बीज जो है बैंगन का ज़्यादा पसंद करते हैं, तो कुछ जो है हाइब्रिड बीज ज़्यादा पसंद करते हैं। आपको पता होगा बैंगन जो एक तो है थोड़ा मोटा बैंगन होता है, एक थोड़ा लंबा होता है, तो आप जो चाहें आप लगा सकते हैं आपके एरिया के अनुसार, आपके यहाँ बीज की उपलब्धता के अनुसार। लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो बीज आप कहाँ से खरीद सकते हैं। तो इसके बाद जो तीसरी सब्जी हमारी आती है वो आती है तोरी। तो किसान भाई, तोरी की जो आपको पता है लताएं होती है, बेल होती है तोरी की, ये कोई मतलब पौधा नहीं है। तो इसके लिए क्या करना होगा, जो तोरी है वो आप छत पर या अपने जो है बैल्कनी में नहीं लगा सकते, इसके लिए आपको अलग से जो है गार्डन जैसी जो है जगह की जरूरत पड़ेगी, जहां पर आप खुले में इसको लगा सकें, क्योंकि ये जो है बेल फैलने वाली बेल होती है। ऐसा नहीं है कि इसको आप बैल्कनी में लगाएंगे और आप वहीं पर लगा लेंगे, इसके लिए आपको जगह की जरूरत होगी। और जो बैंगन का पौधा था वो जो है एक पौधा ही होता है, वो ज़्यादा कोई फैलने वाली चीज़ नहीं है। बैंगन जो आसानी से आप गमले में उगा सकते हैं या थोड़ी जगह आपके पास है वहाँ पर आप आसानी से उगा सकते हैं, जिससे आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी और ये ज़्यादा जगह भी नहीं लेती। तो अब बात करते हैं इसके बाद घिया की। घिया का भी आपको पता है, घिया की भी कई वेराइटियाँ हमारे यहाँ आती हैं। एक आपको पता होगा इतने इतने साइज के जो कद्दू भी हमारे यहाँ, कुछ हमारे यहाँ बोला जाता है, या फिर गोल घिया आपके यहाँ हो सकता है बोला जाता हो कद्दू, वैसे एक पंपकिन को भी कद्दू बोला जाता है, तो वो एक अलग चीज़ है। तो घिया की वैरायटी आती है कई प्रकार की, जैसे कोई एक लंबी घिया होती है और एक जो है गोल कद्दू के आकार की जो है हो जाती है बिल्कुल, तो उसे भी हमारे यहाँ घिया ही बोला जाता है। तो आप कोई भी वैरायटी जो घिया की लगा सकते हैं जो आपके एरिया में उपलब्ध हो, इसके लिए भी आपको खुली जगह की जरूरत होगी, इसे आप बैल्कनी में नहीं लगा सकते, छत पर नहीं लगा सकते। इसके बाद बारी आती है करेला। तो करेला को किसान भाइयों आप बहुत आसानी से उगा सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा अलग से आपको जानकारी लेने की या अलग से कुछ ज़्यादा देखभाल करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सा वही जो हमारा जो तरीका होता है कि जैसे ही कीट पतंगे वगैरह लगने लगे तो हम थोड़ा बहुत जो इंसेक्टिसाइड डाल सकते हैं, जिसका सभी किसान भाइयों को बहुत आसानी से जो है बहुत आम बात है, हमें पता होता है कि इंसेक्टिसाइड कौन सा आम सा जो है क्या काम करता है। बात कर लेते हैं आगे, धनिया की बात कर लेते हैं। तो धनिया किसान भाइयों ऐसी सब्जी है जिसे आप छोटे से गमले में उगा सकते हैं। जो ये है इसके अंकुरित बहुत ज़्यादा होती है, ज़्यादा फूट बहुत ज़्यादा इसकी होती है हम बोल सकते हैं, तो गमले में भी ये आप घर के लायक जो है आपके घर में प्रयोग होने के लिए जो ज़रूरत है आपके उसके अनुसार आप एक गमले में भी लगा सकते हैं, तो इससे आपकी परेशानी धनिया की भी प्रॉब्लम सॉल्व जो है हो जाएगी, आपको ये मूल नहीं लेनी पड़ेगी, इसके लिए मूल्य नहीं चुकाना पड़ेगा। अब बात करते हैं कद्दू की, कद्दू यानी कि पंपकिन। हाँ, कुछ एरिया में जो है घिया का जो है गोल रूप भी आता है, वैरायटी आती है घिया की, उसको भी हमारे हरियाणा में ज़्यादातर उसका कद्दू बोला जाता है साथ में, और जो
पंपकिन है उसको हमारे यहाँ पेठा भी बोला जाता है। तो आपके यहाँ मेरे ख्याल से पंपकिन को कद्दू ही बोला जाता होगा, तो इसको भी आप लगा सकते हैं। और यह भी मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, इसकी बेल होती है, तो इसके लिए भी आपको खुली जगह की ज़रूरत होगी, तो आप इसको बालकनी में नहीं लगा सकते। इसके बाद बारी आती है पालक की। पालक मैंने आपको बता नहीं बताया नहीं, पालक भी जो है वो ठीक धनिया के जैसे ही है, आप उसको भी गमले में लगा सकते हैं। ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, ना ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत है और ना ही ज़्यादा पानी की ज़रूरत है। समय समय पर थोड़ी थोड़ी अगर मिट्टी उसे थोड़ी गीली गीली मिट्टी अगर उसे मिलती रहेगी, तो आसानी से ग्रोथ इसकी होगी, बहुत अच्छे से जो है आपको पालक जो है तैयार आपको मिलेगा। अब इसके बाद बारी आती है ककड़ी की। ककड़ी की अगर बात करें किसान भाई, तो ककड़ी की भी बेल होती है, जैसे घिया की होती है और जो मैंने आपको बताया था तोरी की होती है, तो उसी तरीके से ककड़ी की भी बेल होती है, लता आप बोल सकते हैं। तो उसी तरीके से आप इसको भी लगा सकते हैं, इसको भी खुली जगह की ज़रूरत होती है, बहुत आसानी से हो जाती है। इसके बाद बारी आती है खीरा। खीरा भी आज इट इज घिया के जैसा ही होता है, आप मान सकते हैं, आपको पता ही है। खीरे की भी दो तीन वैरायटियाँ हमारे यहाँ उपलब्ध हैं, आमतौर पर दो ही यूज की जाती हैं। एक होती है वो जो बाहर का जो वैरायटी है, और एक हमारी देसी वैरायटी है जो थोड़ा मोटा होता है। बाहर का जो है वो थोड़ा पतला होता है, साइज में थोड़ा कम होता है। तो दोनों में से आप कोई भी लगा सकते हैं, जिसकी बीज की उपलब्धता आपके पास आसानी से हो जाए, आपके एरिया में जो बीज उपलब्ध हो। वैसे ये दो वैरायटियाँ जो, इनके बीज हमारे यहाँ लगभग सभी शहरों में आसानी से मिल जाते हैं, तो आप ले सकते हैं, जो आपको पसंद हो वो आप लगा सकते हैं। और इसको भी जो है खुली जगह की ज़रूरत होगी, और आप आसानी से इसको जो है लगा सकते हैं और कर सकते हैं। तो खीरा भी आपको उगाने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, आपको खीरा बहुत आसानी से मिलता रहेगा। गर्मियों को समय आ रहा है, तो खीरे की एक जो है आप मान सकते हैं सलाद के रूप में जो है विशेष जो है एक महत्व है, इसकी एक ज़रूरत है जो हमें महसूस होती है, तो आप इसको भी ऐसे लगा सकते हैं। अब इसके बाद आती है भिंडी। तो किसान भाई, भिंडी के मैं आपको बताना चाहूँगा, भिंडी के लिए आपको कोई ज़्यादा ना तो जगह की ज़रूरत है और ना ही ज़्यादा बीज लगाने की ज़रूरत है। भिंडी के अगर दो पौधे भी आपके यहाँ हो जाते हैं, आप दो गमलों का प्रयोग कर सकते हैं, जिनमें आप दो दो तीन तीन बीज जो है आराम से डाल दीजिए। तो अगर एक एक बीज भी अगर उनमें से एक एक पौधा अगर बड़ा हो जाता है, तो लगभग दो गमलों में यदि आपके पास दो पौधे तैयार हो जाते हैं, तो आपके घर की जो है भिंडी की जो ज़रूरत है वो बड़ी आसानी से कंप्लीट कर देंगे। आपको बाजार से जो है भिंडी खरीदनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि भिंडी का जो पौधा होता है वो जो है उसकी जो मान सकते हैं कि जो पैदावार जो होती है वो अच्छी होती है। भिंडी बहुत सारी लगती है एक एक पौधे पर, तो आपके अगर एक घर है तो एक घर में आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली, दो पौधे आपका जो है बड़े आराम से जो आपका काम उससे चल जाएगा और बाजार से आपको नहीं खरीदना पड़ेगा। तो किसान भाई, ये थी मुख्य सब्जियां जो आप मार्च और अप्रैल के महीनों में लगा सकते हैं, और आपको ज़्यादा परेशानी भी नहीं होगी। और ज़्यादातर मैंने आपको बताई जो कुछ थी जिनमें से आप बैल्कनी में या छत पे भी लगा सकते हैं, और जिनमें से कुछ थी जिनको आपको खुले की ही जगह की ज़रूरत पड़ेगी, तो उनको आप खुली जगह पे लगा दीजिए, जिससे आपको बिल्कुल परेशानी नहीं होने वाली। तो ये थी वो सब्जियां जो आप मार्च अप्रैल में लगा सकते हैं और आपको बाहर से खरीदने की ज़रूरत नहीं है। तो और इस वीडियो की ज़रूरत क्यों पड़ी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ जो है भाई उनकी कमेंट आती रहती है, कुछ लोग जो हैं कई बार कई जगह देखते हैं, शहरों में भी और कई जगह वैसे भी चैनल पर कमेंट आती रहती है, कई लोग यही बात बोलते हैं कि अब हर सब्जी जो घर में नहीं उगाई जा सकती। तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि जो उगाई जा सकती हैं आप वो तो उगा सकते हो, वो तो उगा सकते हो ना, जो उगाई जा सकती हैं। जो अगर शहर में आप रहते हो तो बैलकनी वगैरह तो सबकी है, छत तो सबके पास है, तो आप छत पर और बैलकनी में बहुत सारी सब्जियां हैं जो आप उगा सकते हो। तो कम से कम आप वो तो कर ही सकते हो अपने परिवार को, अगर आप अच्छा भोजन बोल सकते हैं, आप बिना मिलावट की सब्जियां अगर आप देना चाहो, बिना जो कीटनाशक हैं जहरीले कुछ जो यूज किए जाते हैं, जिनका बहुत घातक प्रयोग हम सभी जानते हैं, जो जिनका घातक जो रिजल्ट है वो बहुत है, तो जिसका हमें डर रहता है, तो उसकी वजह से जो है कई बार सब्जियां लेने में लोग कतराते हैं कि जो इनका आजकल जो है भैया टीके की आ रही है या बहुत सारे जो ऐसे कीटनाशक हो जो जहरीले हैं, तो उसके लिए विशेष बातें हैं। तो कुछ जो आप यूज कर सकते हो, जो सब्जियां आप उगा सकते हो, उनमें से इसमें से बहुत सारी सब्जियां थी जो मैंने आपको बताई, तो कम से कम जितनी आप कर सको उतनी तो आप कर ही सकते हो। और एक बात रही, एक और बता दूं आपको, मिर्ची भी आप लगा सकते हो, मिर्ची भी एक गमले में हो जाती है, और अगर मिर्ची का आपके पास एक पौधा भी अगर होता है तो वो भी आपके घर के लिए काफ़ी है। लेकिन हो सके तो दो से तीन पौधे लगाइए गमले में मिर्ची के, छत पर भी लगा सकते हैं आप, बैलकनी में भी लगा सकते हैं। अगर छत पे लगाएंगे या बैलकनी में लगाएंगे तो ना तो ये ज़्यादा जगह लेंगे, और जो मिर्ची की आपकी ज़रूरत है वो आपको जो है उसकी आपूर्ति जो है पूरी पूरी होती रहेगी, क्योंकि मिर्ची का जो पौधा है वो ज़्यादा साइज नहीं लेता, ठीक ठाक साइज लेता है। इतनी जगह तो मेरे ख्याल से उन लोगों के पास भी होती है जो बड़े बड़े शहरों में 1 BHK या 2 BHK के फ्लैट में रहती हैं। तो
तो ये तो आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो ये थी वो सब्जियां जो आप अपने घर पर लगा सकते हैं और जिन्हें ज़्यादा देखभाल की भी ज़रूरत नहीं है। और अगर हल्का फुल्का कोई कीट या आपको लगता है कि जो पत्ते हैं वो जल रहे हैं या कोई कीट जो काटने के निशान आपको पौधे पर दिखते हैं, मुरझाने के निशान दिखते हैं, तो आप मोनो जैसी दवा का आप उपयोग कर सकते हैं जो बाज़ार में बहुत आम है, जिसका उपयोग बड़ी आसानी से किया जा सकता है। हाँ, वो आपने देखा होगा, आप जब भी बाल कटवाने के लिए शॉप पर जाते हैं तो वहाँ पर आपको एक स्प्रे की बोतल दिखती है जो जिसके द्वारा जो है बालों के ऊपर छिड़काव किया जाता है पानी का, तो आप उसका प्रयोग भी कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आपको जो किसान भाइयों की तरह टैंक की जरूरत है स्प्रे करने के लिए, नहीं, आप उसका उपयोग कर सकते हैं। वो बोतल आप एक सिंपल बोतल आपकी जो मिरिंडा पेप्सी जो भी है आपके पास बोतल, घर पे बहुत सारी बोतल होती हैं, एक बोतल लीजिए और 10-15 रुपये की वो जो फुहारा करने के ऊपर का जो फुहारा सिस्टम होता है मशीन से वो आती है, वो आप लेके आ सकते हैं। 10 से 15 रुपए की मेरे ख्याल से आती है मेरे यहाँ, तो आपके यहाँ मुझे पता नहीं कितनी की आती है। तो उसके अनुसार जो है आप मिश्रण करके आप एक पौधे का, अगर आपके पास एक पौधा, दो पौधा या दो चार पौधे आपने लगाए हैं, तो उसका आप बड़े अच्छे से ख्याल रख सकते हैं, जिससे उसमें प्रॉब्लम भी नहीं आएगी और आपको जो है समय समय पर सब्जियाँ जो है मिलती रहेंगी। तो किसान भाई, मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और ऐसी ही और भी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, एक बात रह गई थी जो बात ध्यान से जो निकल गई थी बात करते करते, वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिन लोगों के पास बीज की उपलब्धता नहीं है या आपको अगर कोई अलग वैरायटी मंगवानी है जो आपके एरिया में नहीं मिलती या आपके जो आसपास आपको नहीं मिली, तो उसके लिए आपको मैं बताना चाहूँगा कि आप अमेजोन से जो है कोई भी बीज आप ले सकते हैं। अमेजोन पर आपको हर सब्जी का या फूल का बीज आपको मिल जाएगा, तो आपको होम डिलीवरी की हो जाएगी। हालांकि हो सकता है कि आपको थोड़ी महंगी वो पड़ सकती है, लेकिन ट्राई जरूर कीजिएगा क्योंकि वहाँ पर बीज लगभग सभी जो आपके वैरायटियों में मिल जाएंगे जो आपको बाज़ार में नहीं मिल सकते। तो अगर आपके यहाँ उपलब्ध नहीं है तो आप बड़े आराम से अमेजोन से मंगवा सकते हैं, क्योंकि 10-20 रुपये, 50-100 रुपये की कोई बात नहीं होती, स्वास्थ्य सबसे पहले है। तो आप घर पर सब्जी पैदा कर सकते हैं। आपकी जो बीज की जानकारी थी मैंने वो दे दी कि आप बीज जो है अमेजोन से बड़ी आसानी से मंगवा सकते हैं। और अगर आप गार्डनिंग वगैरह में या आपको घर पर ऐसे सब्जियां या फूल लगाना पसंद भी है तो भी आप अमेजोन का उपयोग कर सकते हैं। अमेजोन से आप बड़ी आसानी से बीज जो है मंगवा सकते हैं, जो वैरायटियां बाहर विदेशों में होती हैं वो वैरायटियां भी आपको अमेजोन पर मिल जाएंगी। और कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, ताकि मैं और वीडियो बना सकूँ और अब मुझे जो है हौसला मिलता रहे आगे वीडियो बनाने का। मैं कामना करता हूँ कि आपका आज का दिन शुभ हो और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।